महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में शुक्रवार को योग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 50वीं पुण्यतिथि एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की 5वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के बलरामपुर हॉल में आयोजित व्याख्यान माला में मुख्य अतिथि के रूप में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष एवं पूर्व कुलपति प्रोफेसर यूपी सिंह, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष राम दत्त राय, गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने मां सरस्वती के चित्र पर एवं महाराणा प्रताप व ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर व्याख्यान माला में बड़ी संख्या में विद्यालय के शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने कहा दिग्विजयनाथ जी महाराज की 50वीं पुण्यतिथि और महंत अवैधनाथ जी महाराज की 5वीं पुण्यतिथि के स्मृति में व्याख्यान माला के तहत आज लोक कल्याण और श्री गोरक्षपीठ को विषय पर रखा गया है, जिसमें यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के प्रोफेसर राम दत्त राय जी मुख्य अतिथि हैं। अध्यक्षता प्रोफेसर यूपी सिंह जी करेंगे। गोरक्षपीठ का लोक कल्याण में बहुत बड़ा योगदान है। अवैधनाथ जी महाराज जैसे सामाजिक समरसता पे अपना बहुत सा काम किए,
जात पात छुआछूत को हटाने के लिए राम जन्मभूमि को लेकर के आंदोलन किए, वैसे दिग्विजयनाथ जी महाराज जी हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए, आम जनमानस में शिक्षा का प्रसार प्रसार करने के लिए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की। आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के वटवृक्ष के नीचे लगभग 46 संस्थाएं संचालित हो रही हैं और विभिन्न क्षेत्रों में नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। जन जागरूकता रैलियाँ आयोजित करना, समाज को देश प्रेम की भावना से जोड़ना, स्वच्छता कार्यक्रम, अब जल संरक्षण को लेकर के बहुत से प्रयास जो है इन संस्थाओं में किए जा रहे हैं। धन्यवाद।